नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्नों को मैंने आज तैयार किया है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमें इसमें से कुछ कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कि किसके संदर्भ में ये सही है। यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा कथन है, इसे कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। ये दोनों कथन है, हमें देखना है कि ये किसके संदर्भ में सत्य है। यहाँ पे क्या है, फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इसे कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। पहला है क्यूबे, दूसरा कनाडा, तीसरा मॉन्ट्रियल और चौथा है फ्रांस। तो ये कथन जो है वो क्यूबेक से रिलेटेड है, यानी कि क्यूबेक जो है यहाँ पर फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इसे कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कूट का चयन करें। यह इटास्का झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। दूसरा है, यह पंजा का डेल्टा बनाती है। तीसरा है, सेंट पॉल और मेनियापोलिस जो कि जुड़वा शहर है इसके किनारे अवस्थित है। ये कथन जो है किसके संदर्भ में है? तो ये पहली बात ये कि ये कहाँ से निकलती है, इटास्का झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये पंजाकार डेल्टा का निर्माण भी करती है। सेंट पॉल और मेनियापोलिस जो कि जुड़वा शहर है इसके किनारे अवस्थित है। मिसिसिपी, मिसौरी, रेड रिवर, नेल्सन, तो ये मिसिसिपी के बारे में है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछता भी है कि पंजाकार डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ये मिसिसिपी है। बाकी जो ये कहाँ से निकलती है, मिसिसिपी इटास्का झील से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सेंट पॉल और मेनियापोलिस जो कि जुड़वा शहर है वो इसी के किनारे अवस्थित है। रेड रिवर जो है वो इसी की सहायक है, एक रेड रिवर चाइना में भी है तो वो वाली की बात नहीं कर रहा, ये जो रेड रिवर है इसकी सहायक है, और मिसौरी नदी और फिर नेल्सन नदी है। रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक है जो कि मक्के की कृषि के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मिसौरी जो है वो रॉकी पर्वत से निकलती है और सेंट लुइस में मिसिसिपी से मिलती है, तो मिसौरी भी किसकी सहायक है, इसी मिसौरी मिसिसिपी की ही सहायक है जो कि रॉकी पर्वत से निकलती है और सेंट लुइस में मिसिसिपी से मिल जाती है। नेल्सन नदी जो है वो हर्सन की खाड़ी में निकास करती है अपना, और मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो ये सभी था मिसिसिपी के बारे में और जो इसकी सहायक नदियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमें इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। इसमें है, रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये कह रहा है कि जो रियो ग्रांडे नदी है वो यूएसए और मैक्सिको के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। दूसरा कथन है, कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। कोलोराडो नदी ने कोलोराडो पठार को काट दिया है और गार्ज का निर्माण किया है जिसे ग्रैंड कैनियन कहते हैं। तो ये जो कोलोराडो नदी है वो रॉकी से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, और यही कोलोराडो नदी क्या की है, कोलोराडो का पठार जो है उसको इस तरीके से काटी है, बहुत ही मतलब इस टाइप से काटा है उसने कि वहां पे एक गार्ज का निर्माण हुआ, और उसी गार्ज को क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैनियन गार्ज भी बोलते हैं। तो अगला है, पोटोमैक नदी अपलेशियन पर्वत से निकलती है। पोटोमैक नदी अपलेशियन पर्वत से निकलती है और चिसपकी की खाड़ी में गिर जाती है वॉशिंगटन डीसी इसी के किनारे स्थित है। तो पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा ये है, वॉशिंगटन डीसी इसी के किनारे स्थित है। अगला है, सेंट लॉरेंस नदी दुनिया के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है। ये सेंट लॉरेंस नदी क्या है, वो दुनिया के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है, परंतु यह हमेशा नहीं खुला रहता। क्यों? क्योंकि ठंडियों में यहाँ के जो जलमार्ग है वो बाधित होते हैं। तो ये सभी कथन थे और ये सभी कथन बिल्कुल सही है कि रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, कोलोराडो नदी जो है रॉकी से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, और ये जो कोलोराडो नदी है वो कोलोराडो के पठार को इस तरीके से काटा है कि वहां पे गार्ज का निर्माण हुआ, उसी को ग्रैंड कैनियन कहते हैं। पोटोमैक नदी के किनारे वॉशिंगटन डीसी है और पोटोमैक नदी अपलेशियन पर्वत से निकलती है और चिसपकी की खाड़ी में गिर जाती है। सेंट लॉरेंस के बारे में बोल रहा है कि दुनिया की सबसे व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है, लेकिन ये हमेशा खुला नहीं रहता क्योंकि ठंडियों में ये काफी बाधित होता है। तो ये सभी था कथन और सारे ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ वायुयानों का परीक्षण होता है और फिल्म उद्योग का भी विकास हुआ है। पहला कथन है कि ये किसी, दो कथन दिए गए हमें बताना है कि किसके संदर्भ में,
यहाँ पर क्या हुआ है, वायुयान का परीक्षण भी होता है और फिल्म उद्योग का भी विकास हुआ है। यह यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और ये यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में है, सेंट लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, उटाह प्रांत। तो ये कह रहा है कि ये लॉस एंजल्स के बारे में है या सैन फ्रांसिस्को के बारे में, कैलिफोर्निया या फिर उटाह प्रांत। तो ये लॉस एंजल्स के बारे में है, ये जो लॉस एंजल्स है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वायुयान का परीक्षण भी होता है, यहाँ फिल्म उद्योग का भी विकास हुआ है, ये यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। तो ये लॉस एंजल्स के बारे में, लॉस एंजल्स के बारे में कथन थे दोनों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। ये कह रहा है जो कोलंबिया नदी है वो रॉकी से निकलती है और कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में गिरती है, तथा इसके मुहाने पर पोर्टलैंड शहर स्थित है। और इसके मुहाने पर कौन सा ये शहर स्थित है, पोर्टलैंड। तो कोलंबिया नदी के बारे में ये था कि रॉकी पर्वत से निकलती है और प्रशांत महासागर में गिरती है, इसके मुहाने पर पोर्टलैंड शहर स्थित है, ये पहला कथन है। दूसरा है, फ्लेशर नदी रॉकी पर्वत से निकलती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। यानी कि कोलंबिया नदी को भी ये कह रहा है कि रॉकी से निकलती है और प्रशांत में गिरती है, और फ्लेशर नदी को भी कह रहा है कि रॉकी से निकलती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। विक्टोरिया प्रांत इसी के किनारे अवस्थित है, और फ्लेशर नदी के किनारे कौन सा प्रांत है, विक्टोरिया प्रांत, और कोलंबिया नदी के किनारे कौन, मुहाने पर कौन सा स्थित है, पोर्टलैंड शहर। तीसरा कथन है, मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है जो नदी द्वीप में स्थित है या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है जो कि नदी द्वीप में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है, मॉन्ट्रियल। और अगला है, मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ये मैकेंजी की खाड़ी में जो गिरती है और जो कि ब्यूफोर्ड सागर में अवस्थित है, वहां पर जाकर गिरती है। ये कह रहा है कि मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ये मैकेंजी की खाड़ी जो कि ब्यूफोर्ड सागर में अवस्थित है जाकर गिरती है, यानी कि मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है, और ये खाड़ी कहाँ पर स्थित है, ब्यूफोर्ड सागर में। तो ये चारों कथन थे, हमें इसमें से असत्य कथन का चयन करना था। तो उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सही है। यानी कि कोलंबिया नदी रॉकी से निकलकर प्रशांत में गिरती है, इसके मुहाने पे पोर्टलैंड शहर स्थित है, फ्लेशर नदी के बारे में बोल रहा है कि रॉकी पर्वत से निकलती है और प्रशांत में गिरती है, और विक्टोरिया प्रांत इसके किनारे पर स्थित है, मॉन्ट्रियल के बारे में बोल रहा है कि कनाडा का शहर है जो कि नदी द्वीप में स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है, और मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी लंबी नदी है, मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, और ये मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है, मैकेंजी की खाड़ी स्थित कहाँ पे है, ये ब्यूफोर्ड सागर में स्थित है, और ये सभी कथन सही है। तो उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। अगला देखते हैं, इसमें से राज्य दिए गए हैं और इधर कुछ, तो किसके लिए ये फेमस है, फ्लोरिडा, रसदार फल, हवाना, शिकार, जमैका, केला, क्यूबा, चीनी, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, किंगटन, रेल इंजन, सैन फ्रांसिस्को, सॉफ्टवेयर उद्योग। सैन फ्रांसिस्को में वो भी है, सिलिकॉन सिटी भी है, तो सैन फ्रांसिस्को सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है, किंगटन रेल इंजन, क्यूबा चीनी, जमैका केला, हवाना सिगार, और फ्लोरिडा रसदार फल, और ये सभी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि सभी सुमेलित है, क्योंकि फ्लोरिडा रसदार फल होगा, हवाना सिगार, जमैका केला, क्यूबा चीनी, किंगटन रेल इंजन, सैन फ्रांसिस्को सॉफ्टवेयर उद्योग, तो ये सभी सुमेलित है। इसलिए उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि सभी सुमेलित है। निम्नलिखित को क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित है सही कूट का चयन के, इसमें से कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, उससे कम, उससे कम, तो हमें इसमें बताना है कि सही रूप क्रम में कौन से व्यवस्थित है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो। सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो। तो इसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम है वो पहले होगा सुपीरियर, फिर होगा ह्यूरन, फिर होगा मिशिगन, फिर होगा इरी, फिर होगा ओंटेरियो। अभी ये दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है कि सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो। अच्छा, जब इसे बोलेगा कि पश्चिम से पूरब क्रम में, तो इसे अगर वेस्ट टू ईस्ट क्रम में व्यवस्थित करना है तो हो जाएगा, पहले सुपीरियर होगा, फिर हो जाएगा मिशिगन,
फिर होगा ह्यूरन, फिर होगा इरी, फिर होगा ओंटेरियो। अगर ये पूछता कि पश्चिम से पूरब क्रम में कौन सा व्यवस्थित है, तो ये पहला वाला हो जाता, क्योंकि सुपीरियर होगा फिर मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो। लेकिन अगर घटते क्रम में पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहले होगा सुपीरियर, फिर ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो। तो ये क्रम था इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित है। ये कह रहा है कि नॉर्थ टू साउथ कौन सा सही क्रम में व्यवस्थित है, हमें बताना है। ग्रेट बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेडियर, विनिपेग। स्लेव, ग्रेट बियर, अथाबास्का, विनिपेग, रेडियर। ग्रेट बियर, स्लेव, रेडियर, अथाबास्का, विनिपेग। तो हमें बताना है कि नॉर्थ टू ईस्ट कौन सा सही क्रम में व्यवस्थित है। तो पहले होगा ग्रेट बियर, फिर होगा स्लेव, फिर होगा अथाबास्का, फिर होगा रेडियर, फिर होगा विनिपेग। ग्रेट बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेडियर, विनिपेग, ये इसका सही क्रम है, नॉर्थ टू साउथ। तो इस क्रम को याद कर लीजिए, ताकि अगर ये भी पूछे कि साउथ टू नॉर्थ आप व्यवस्थित कीजिए, तो हम कर सके। तो हमें एक सही क्रम पता होना चाहिए कि ग्रेट बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेडियर, विनिपेग, ये सही क्रम है इसका, उत्तर से दक्षिण। तो ये पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्रिटिश कोलंबिया, यूकान पठार, ये प्लेट्यूज दिए गए हैं, हमें इसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ग्रेट बेसिन, कोलंबिया, इसने कोलोरेडो पठार, तो हमें इसमें से सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सा होगा, पहले हो जाएगा यूकान का पठार, फिर क्या होगा, यूकान के बाद ब्रिटिश कोलंबिया, फिर हो जाएगा कोलंबिया स्नैक, फिर होगा ग्रेट बेसिन, और लास्ट में होगा कोलोरेडो का पठार। तो पहला क्या होगा, यूकान का पठार, फिर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया, फिर होगा कोलंबिया स्नैक, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया के बाद कोलंबिया स्नैक, फिर होगा ग्रेट बेसिन, और लास्ट में हो जाएगा कोलोरेडो का पठार। तो ये इसका सही क्रम होगा, यूकान का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया, कोलंबिया स्नैक, ग्रेट बेसिन एंड कोलोरेडो का पठार। तो ये इसका सही क्रम है, कि यानी कि 2, 1, 4, 3, 5, 2, 1, 4, 3, 5। आगे देखते हैं, असत्य कथन का चयन करें। जिन पर्वतों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, उन्हें आर्कियन पर्वत कहते हैं, जबकि पेलियोजोइक काल में पर्वतों को कैलिडोनियन पर्वत कहते हैं। ये कह रहा है कि जिन पर्वतों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, उन्हें आर्कियन पर्वत कहते हैं, जबकि पेलियोजोइक काल के पर्वतों का निर्माण हुआ है पेलियोजोइक काल में, उनको कैलिडोनियन पर्वत कहते हैं। ये पहला कथन है। दूसरा है, जिन पर्वतों का निर्माण मेसोजोइक काल में हुआ है, उन्हें अल्पाइन पर्वत कहते हैं, जबकि सेनोजोइक काल में पर्वतों को हर्सिनियन कहते हैं। तो हमें असत्य कथन का चयन करना था, और ये दूसरा वाला असत्य है। क्यों? क्योंकि जिन पर्वतों का निर्माण मेसोजोइक काल में होता है, उनको हर्सिनियन कहते हैं, और सेनोजोइक काल में जिनका निर्माण होता है, उन्हें अल्पाइन कहते हैं। तो सेनोजोइक अल्पाइन हो जाएगा, और मेसोजोइक हर्सिनियन हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला कथन गलत है, पहला वाला बिल्कुल सही है, कि प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण में पर्वतों को आर्कियन, और पैलोजोइक में जिनका होता है, उन्हें कैलिडोनियन कहते हैं। तो ये दूसरा वाला असत्य है, पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में सही सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित है? रॉकी पर्वत, अल्पाइन, अप्लेशियन, हर्सिनियन। यानी रॉकी, ये कह रहा है कि रॉकी पर्वत अल्पाइन, अल्पाइन किसे कहेंगे, जिन पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक काल में होगा, उन्हें अल्पाइन कहते हैं। तो रॉकी पर्वत का निर्माण सेनोजोइक काल में ही हुआ है, और ये अल्पाइन पर्वत कहलाता है। और जो अप्लेशियन पर्वत है, उसका निर्माण कब हुआ है, उसका निर्माण हुआ है मेसोजोइक काल में, तो इसलिए इसे हर्सिनियन कहते हैं। तो मेसोजोइक काल में जिसका हुआ, उसे हर्सिनियन पर्वत कहलाएंगे। तो यानी कि अप्लेशियन हर्सिनियन पर्वत है, और रॉकी अल्पाइन पर्वत है। तो ये दोनों ही सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है, या मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। ये कह रहा है मृत घाटी, यानी डेथ वैली को बोल रहा है, कि ये पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है, और ये मोजावे रेगिस्तान में ही स्थित है। अगला है कि उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क और गर्म स्थानों में से एक है। यानी कि जो ये डेथ वैली है, ये उत्तरी नॉर्थ अमेरिका का सबसे निचला शुष्क और गर्म स्थानों में से एक है, और ये मृत घाटी के बारे में था। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, कि जो ये मृत घाटी है, पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है, और ये मोजावे रेगिस्तान में स्थित है, और ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे निचला शुष्क और गर्म स्थानों में से एक है। और ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, मृत घाटी के बारे में ये था।
अगला है, निम्नलिखित में से सत्यकथनों का चयन करें। कनाडाई प्रशांत रेलवे ये कह रहा है कि सीपीआर के बारे में बोल रहा है कि कनाडाई पैसिफिक रेलवे कनाडा के पश्चिमी तट पर सेंट जोन से पूर्वी तट पर बैंकोर तक चलता है तथा यह क्यूबेक और मॉन्ट्रियल के औद्योगिक क्षेत्रों को भी जोड़ता है। तो कनाडाई प्रशांत रेलवे के बारे में बोल रहा है कि कनाडा के पश्चिमी तट पर जो सेंट जोन से पूर्वी तट पर वैंकूवर तक चलता है और ये क्यूबेक और मॉन्ट्रियल के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, ये सीपीआर के बारे में था। अगला है कनाडा नेशनल रेलवे, कनाडा CNR के बारे में बोल रहा है, यानी कि कनाडा नेशनल रेलवे। यह हेलीफैक्स शहर नोवा स्कोशिया और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट के बीच चलती है। तो कनाडा नेशनल रेलवे कहां तक, ये हेलीफैक्स शहर नोवा स्कोशिया और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट के बीच तक चलती है। और ये दोनों कथन बिल्कुल सही है कि जो कनाडाई प्रशांत रेलवे है वो कनाडा के पश्चिमी तट पर जो सेंट जोन से पूर्वी तट पर और वैंकूवर तक चलता है और ये क्यूबेक और मॉन्ट्रियल के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। कनाडाई नेशनल रेलवे क्या करता है, हेलीफैक्स शहर नोवा स्कोशिया और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट के बीच चलता है और ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। बेरिंग जलसंधि साइबेरिया और अलास्का को अलग करती है, कह रहा है कि जो बेरिंग जलसंधि है वो साइबेरिया और अलास्का को अलग करती है जबकि बेरिंग सागर और ब्यूफर्ट सागर को जोड़ती है, जबकि ये बेरिंग सागर और ब्यूफर्ट को जोड़ती है लेकिन साइबेरिया और अलास्का को अलग करती है, बेरिंग जलसंधि के बारे में बोल रहा है। अगला है जुआ डी फूका प्रशांत महासागर की एक जलसंधि है, जुआ डी फूका को कह रहा है कि ये प्रशांत महासागर की एक जलसंधि है जो बैंकोर द्वीप को मुख्य कनाडा से अलग करती है, ये क्या करती है, बैंकोर द्वीप को मुख्य कनाडा से अलग कर देती है, जुआ डी फूका। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो हमें असत्य कथन का चयन करना था तो ना ही पहला ना ही दूसरा, यानी कि कोई भी असत्य नहीं है। बेरिंग जलसंधि साइबेरिया अलास्का को अलग करती है, बेरिंग सागर और ब्यूफर्ट सागर को जोड़ती है, जुआ डी फूका प्रशांत महासागर की एक जलसंधि है जो वैंकूवर द्वीप को मुख्य कनाडा से अलग करती है। आखिरी प्रश्न है, पर्वत दिए गए हैं और उनकी सर्वोच्च चोटी दी गई है, हमें देखना है कौन से सही सुमेलित है। सेरा नेवादा, विटनी चोटी, रॉकी पर्वत, एल्बर्ट चोटी, अपलेशियन, मिचेल चोटी, कोस्ट रेंज, लोगान चोटी, अलास्का, डेनाली। तो हमें इसमें से बताना है कि सबसे ऊंची चोटी क्या, ये सही है कि इन पर्वतों पे ये चोटियां पाई जाती है। तो बिल्कुल सेरा नेवादा की जो चोटी है सबसे वो इटनी चोटी है, रॉकी की एल्बर्ट है, अपलेशियन की मिचेल है, कोस्ट रेंज की लोगान है और अलास्का की डेनाली है। तो ये सभी बिल्कुल सही सुमेलित है। इसका क्रम क्या है कि जो ये नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स है उनका है पहले ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज, ये दोनों अलास्का में है, मैकेंजी रेंज, कोस्ट रेंज और कैस्केड रेंज, ये कनाडा और यूएसए में है, मैकेंजी कोस्ट और कैस्केड रेंज ये कहाँ पे है, कनाडा और यूएसए में है, जबकि ब्रुक्स और अलास्का कहाँ पे है, अलास्का में है। सेरा नेवादा और रॉकी रेंज, सेरा नेवादा यूएसए में है, रॉकी रेंज कनाडा और यूएसए दोनों में है, सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सेरा माद्रे ओरिएंटल ये मैक्सिको में है, सेरा डेल सुर ये भी मैक्सिको में है, अपलेशियन माउंटेन कनाडा और यूएसए दोनों में है। तो ये एक बार ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि कौन सा कहाँ पे है, तो ब्रुक्स और अलास्का कहाँ पे है, अलास्का ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज कहाँ पे है, अलास्का में, मैकेंजी और कास्केड और कोस्ट रेंज ये कहाँ पे है, कनाडा एंड यूएसए, जबकि सेरा नेवादा यूएसए में है, रॉकी रेंज कनाडा और यूएसए दोनों में है, सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सेरा माद्रे ओरिएंटल और सेरा डेल सुर ये तीनों कहाँ पे है, मैक्सिको में, अपलेशियन माउंटेन कनाडा प्लस यूएसए दोनों में है। तो ये आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।